बीजेपी के दबंग नेता सरपंच पति ने खेली खून की होली, गांव के दो युवकों पर किया रॉड से जानलेवा हमला, हमले में युवकों के सर पर लगी गंभीर चोटें। बताया जा रहा है कि युवकों ने कुछ समय पहले पंचायत में हुए घोटाले की जांच करवाई थी, जिससे सरपंच पर 90 लाख रुपए की रिकवरी निकली थी और इसी के चलते सरपंच पति ने युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला पंखाजूर थाना क्षेत्र के द्वारिका पूर्व पंचायत का है। बीजेपी के कार्यकर्ता और पूर्व सरपंच पति भजन विश्वास ने आपसी रंजिश को लेकर दो युवकों पर रॉड से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे युवकों के सर पर गंभीर चोट आई। सरपंच पति पर मामला दर्ज कर लिया गया है, पुलिस जांच में जुटी है। वहीं युवकों को प्राथमिक उपचार के लिए पंखाजूर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। क्या नाम है आपका? असीम मंडल। कौन से गाँव से? 57 काली नगर। क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ सर, पहले से हमारा गांव का जो भूतपूर्व जो सरपंच था, क्या नाम है, वो भजन विश्वास, वो बहुत घटला किया, वही कारण से हम लोग थोड़ा इधर उधर भाग रहे। वही दुश्मनी सर आज निभाया, तुरंत रोड किनारे था हम लोग, आके अचानक ये मोनो काका को मार दिया रॉड से। इतना बड़ा रॉड है, ऐसे गोल है मुंडी में, इसको मारा दो तीन बार, मेरे को दो तीन बार मारा। ये देखिए यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है, मार के तुरंत वो गाड़ी लेके भाग गया। क्या चाहते हैं तो आते हैं, क्या मांग करते हैं? ये मांग करते हैं सर हम लोग उसको कम से कम करी से करी सजा। थाने में एफआईआर किया? थाने में एफआईआर कर रहा है सर। क्या नाम है? नाम क्या? मनोरंजन गरम। कौन से गाँव से? क्या हुआ आपके साथ? ऐसा होली के दिन है, सड़क के किनारे रोड में बैठा था, सरपंच पूर्व सरपंच आया। क्या नाम है सरपंच? भजन विश्वास। क्या किया आपके साथ? गाड़ी तुरंत थमाया, तुरंत रोका गाड़ी को, रॉड निकाला, तुरंत मार दिया यहाँ पर। कितना सिलाई लगा वहाँ? तुरंत यहाँ पर एक बार मारा, फिर यहाँ पर एक बार मारा, पूरी सिलाई। कितना लगा आपके से? नौ सिलाई लगा। नौ सिलाई। कोई आपसी रंजिश था आपके मारने का? क्यों मारा आपको? क्योंकि पहले उसके साथ था, बीजेपी में वो था। अच्छा, आप अभी कांग्रेस में, उसको मिस्टी लग रहा है इसलिए ऐसा कर रहे हो आपसी रंजिश में। क्या मांग करते हैं? क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि उसके लिए कोई कार्रवाई हो, जेल है उसके लिए। Thank you.